बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अज़र रबानी एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ हाजिर है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं हमज़ा भाई और नुमान भाई बताया था ना आपने, नुमान भाई के साथ इस वक्त एक जगह पे मौजूद हूँ और हम तीनों मिलके आज एक पुलाव की दो पुलाव की देगे बनाने लगे हैं और एक जर्दे की देग। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि गाँव के माहौल में देगें कैसे बनाई जाती हैं। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, नुमान भाई ने काम का आगाज़ कर दिया है और देग बनाने के लिए चूल्हा बनाना शुरू कर दिया है। नुमान भाई, दो चूल्हे बनाएंगे हम? जी जी, ठीक हो गया। तो हम पहले इस तरह, इसको आप देग बनाने के लिए ठैया भी कह सकते हैं और चूल्हा भी कह सकते हैं। तो ये गांव का स्टोव है, इसके नीचे हम लकड़ियाँ लगाएंगे और लकड़ियाँ लगा के फिर हम लोग देग बनाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा तो तैयार हो चुका है और अब इमरान भाई और हमज़ा भाई लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम आग लगाएंगे और इसी तरह का हम एक चूल्हा और बनाएंगे। और अभी मैंने नुमान भाई से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा तकरीबन 2 मन लकड़ी लगेगी 3 देगें बनाने के लिए। तो एक चीज़ तो ये नोट कर लें कि अगर आपने 3 देगें बनानी है तो 2 मन आपके पास लकड़ी होना ज़रूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, डिसाइड ये हुआ है कि 10-10 किलो वाली देगे बनानी है। तो ये मैयर हुए हुए 10 किलो चावल एक टब में डाल दिए, इसको हम भिगोएंगे। कितने देर रास्ते नुमान भाई? कितने देर रास्ते? घंटे रास्ते? एक घंटा इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे। और ये सेला चावल पड़े हुए हैं, ये हमने ओवरनाइट इसको सोक करके रखा है, भिगो के रखा है क्योंकि इसका जर्दा बनेगा। तो सेला चावल को हमने सारी रात भिगो के रखा है और 10-10 किलो की 2 देगें बनेंगी। 1-10 किलो ये पड़े हैं और 1-10 किलो ये पड़े हैं। टमाटर कटना शुरू हो चुके हैं। मैंने अभी नुमान भाई से और हमज़ा भाई से पूछा है, उन्होंने कहा है कि यदि 20 किलो अगर 2 देगें 10-10 किलो की बनानी है तो तकरीबन 3 किलो टमाटर हम काटेंगे। तो ये 3 किलो टमाटर हैं, ये कट रहे हैं। उसके बाद अभी बस प्याज वगैरह सब्ज़ी वगैरह सारी आ जाएगी, वो हम काटेंगे और अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ज़रदा बनाने के लिए देग हमने चढ़ा दी है, नीचे आग हमने लगा ली है और 10 किलो आपको बताया था 10 किलो का ज़रदा बनेगा तो इसके अंदर तकरीबन 25 किलो पानी हमने डाल दिए। अब जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छा जी, टमाटर लहसुन और अदरक छिल चुके हैं, कटाई हो चुकी है इनकी और अब हम इसको चॉप कर लेंगे, ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे इसका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है, उसके अंदर हम लोगों ने छुहारे कितने डाले जी? 1 किलो। 1 किलो छुहारे उसके अंदर ऐड कर दिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन धुएँ हैं क्योंकि लकड़ी की आग लगी हुई है। और ये मेरे भाई के हाथ में जर्दा कलर है, ये अब पानी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं और साथ 1 किलो छुहारे हमने धो के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन धुआँ होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आग के ऊपर बन रहे हैं। और वो सामने चावलों की धुलाई हो रही है जरदावा के लिए, जो सेला चावल हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। और ये हमने जो 10 किलो सेला चावल भिगो के रखे थे ये उबलते हुए पानी के अंदर हमने ऐड कर दिए। और अब इसको हम कितनी देर के लिए जी कवर करेंगे? अभी हम इसको 10 मिनट के लिए इसको ढकना दे देंगे और फिर जब पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसको दम भी देंगे। अच्छा, अभी दम नहीं देंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए चावल हमने इसके अंदर डाल दिए। और अब ये देखें, अब छुहारे आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, जरदे का रंग हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सेकेंड साइड पे हम लोग दूसरा पतीला रख लिया है, उसको प्री हीट कर लिया है और उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। 2 पैकेट हमने डाले हैं, 2 किलो ऑयल डाला है, ये अभी 2 किलो डाल दिया ना। पुलाव हम कुकिंग ऑयल में बनाएंगे और जरदा हम घी के साथ बनाएंगे। तो ये 1/2 पैकेट और डाल दिया है, 2.5 किलो हम लोगों ने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है 10 किलो के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन हमारे पास पहुंच चुका है। हम 10 किलो पुलाव के अंदर 6 किलो चिकन डालेंगे, टोटल 12 किलो चिकन है, 2 देगें बनेंगी। और अब हम इसको धोने लगे हैं, अच्छे तरीके से इसको वॉश करते हैं और फिर अगला स्टेप करेंगे। हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और अब हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच इसके अंदर हिला लेंगे और अब इन प्याजों को हम ब्राउन करेंगे और फिर उसके बाद अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 10 मिनट हो गए हैं, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं
और अब हम इसको पतीले के अंदर डाल के पानी को इसको ड्रेन छानने के अंदर डाल के पानी ड्रेन कर लेंगे और फिर जर्दे का अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इन द मीनवाइल साथ ही जो है वो प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं पुलाव के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज जितने हमने ब्राउन करने थे हो गए और अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करने लगे हैं। 6 किलो गोश्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 6 किलो गोश्त हम दूसरी देग के लिए करेंगे। तो ये 6 किलो गोश्त हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और ये अब हम ड्रेन करने लगे हैं ज़रदा जो है, ये अब हमने ड्रेनर के अंदर डाल दिया है। स्ट्रेन करेंगे और फिर इसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हमने नए सिरे से पतीला डाल चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर और पतीला प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर हम तकरीबन आधा किलो के करीब दूध डाल रहे हैं और 1 किलो पानी डालेंगे। 1 किलो अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा, पानी पहले का डल चुका था और इसके अंदर हम 10 किलो चावल के लिए 9 किलो चीनी ऐड करने लगे हैं। तो चीनी ऐड हो गई है और फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमने 2 किलो घी इसके अंदर ऐड करना है। 1 किलो का पैकेट हम डाल चुके हैं। हम इसके अंदर सूफी घी यूज़ कर रहे हैं और ये हमने अभी फिलहाल 1.5 किलो डाला है। फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आधा किलो हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालने लगे हैं। जो 3 किलो हमने टमाटर काटे थे और साथ अदरक लहसुन था उनका हमने पेस्ट बना लिया था। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था और इसके ऊपर से हमने अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल लिया। चिकन क्यूब डाल दिए हैं 4 अदद और साथ मसाला जार डाल रहे हैं। ये दड़ा मिर्च कितनी डाल रहे हैं? आधा पाव, तकरीबन आधे पाव से 200 ग्राम, नहीं 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं और 50 ग्राम हमने लाल मिर्चें डाली हैं। अब भाई सारे मसाले लाते जा रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। और ये अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। हमजा भाई हमारे मसाले ला रहे हैं और नुमान भाई हमारे चमचे ला रहे हैं और रबानी भाई आपके जो है वीडियो बना रहे हैं साथ साथ, और इनसे सीख रहे हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाने हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो अब हम इनसे रेसिपी पूछ लें। और अब ये नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आपने एज़ पर टेस्ट डालना है। फ्रेंड्स, देखिए तो बन रही है वहाँ पे, लेकिन ये हमारे बकरे बागी हो गए थे तो अब हम इनको बांधने लगे हैं क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा पाव इमली डालने लगे हैं और आधा पाव के करीब अचार डालेंगे। आधा पाव अचार डालने लगे हैं और इस तरफ चीनी की चाश तैयार हो रही है जर्दे के लिए। तो इस वक्त शदीद काम हो रहा है हमारा। अब हमारा कोरमा आलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर पुलाव के लिए पानी ऐड करने लगे हैं। तकरीबन 14 किलो पानी हम इसके अंदर डालेंगे, 14 लीटर पानी ऐड कर लिए। अब हम इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। और इसी तरह हमारी चीनी की जो चाश थी जर्दे के लिए वो तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर अभी हम बिरयानी मसाला डालने लगे हैं। ये हम साथ बिरयानी मसाला भी इसके अंदर ऐड करें। 2 पैकेट डालेंगे, 2 पैकेट हमने बिरयानी मसाला के ऐड करनी है। अब नुमान भाई और हमजा भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं वहाँ से, जो जर्दे के लिए चावल बॉयल किए थे वो हम चीनी वाली चाश के अंदर डाल रहे हैं। आह, क्या छोरे नज़र आ रहे हैं बीच में, बहुत मज़ा आने वाला है। व्लॉग आप लोगों ने मेरा ये एंड तक देखना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावलों को बॉयल आ गया है, चावल आलमोस्ट रेडी हैं। अब हमने इनको दम पे रखना है। हमारे नुमान भाई और हमजा भाई जो हैं वो चावलों को उठाएंगे और ये दम के लिए हमने कोयले लगा लिए हैं और छोटी छोटी ईंटें साथ रखनी है। इसके ऊपर हम आप ये कढ़ा रख देंगे अपना पतीला जर्दे का। तो मैंने इनको कहा मैं टेस्ट कर लूँ, तो इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो ये अब हमने इसके ऊपर कवर कर दिए। इसने उतने भी कोयले रख सो जी, अब इसके ऊपर भी कोयले लगाएंगे और कोयले लगा के इसको कितनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इसको हम कवर कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर इसकी गार्निशिंग हम एंड पे करेंगे। ये देखें, ये कोयले ऊपर रख रहे हैं बस हमजा भाई, और बस अब हम इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें धो के डाल दी हैं
बगैर कट लगाए साबत साबत सब्ज मिर्चे हमने डाल दी है। और अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जी। कितनी देर तक? अच्छा अभी तक बॉयल नहीं आया, 2 मिनट तक बॉयल आएगा तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे इंशाल्लाह। बॉयल आ चुका है पानी को और अब हमजा भाई और नुमान भाई जो हैं इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं और चावलों को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल लेंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 1 टाइम बॉयल आने तक, पानी ड्राई होने तक। सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव रेडी हो चुका है और अब हम इसको दम पे रखेंगे और दम पे करके इसको कवर कर जाएंगे देंगे। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, सब कुछ ऑल इज़ वेल। हल्का सा पानी का छींटा लगाया है और छींटा लगाने के बाद ओ हो फ्रेंड्स क्या खुशबू आ रही है इसको। और ये इसके ऊपर कवर हो गया, इसमें उतने भी कोयले पास हो जी। अब इसके ऊपर भी हम कोयले डालेंगे जिस तरह ये जर्दा है। और इसको कितने आधे घंटे आते जी? 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें कितना ज़बरदस्त पुलाव रेडी हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त। अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। और बस अभी जर्दे के लिए भी गार्निशिंग रेडी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जर्दा भी रेडी हो चुका है, बस अब इसके ऊपर वो अशरफियाँ वगैरह और मेवा जात और करौंदे वगैरह और मुरब्बा जात वगैरह डालनी है। तो ऐट दी एंड ये हमारी 3rd डे तैयार हो रही है। तो यहीं पे हम अपने आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, इसको एंड करते हैं। तो नुमान भाई का और हमजा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे हेल्प की और मुझे आज देख बनाने की एक रेसिपी दिखाई और तरीका भी बताया। तो आखिर में अज़र रब्बानी को इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और कारोबार में और खानों में लज़त डाले, बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।